असलम यर्स कैसे हम सब उम्मीद है आप सब है से होंगे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपने आज के लिए की रूटीन और उसके साथ मैं शेयर करूँगी एक छोटी सी अपडेट या व्हाट्स न्यू इन माई किचन और उसके साथ साथ कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सा ये भी है तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं आई थी अपने किचन गार्डन में आज मैंने बनानी थी कढ़ी पकौड़ा तो इसके लिए मुझे पालक चाहिए थी तो किचन गार्डन की मैं थोड़ी रेनोवेशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम जो है ना इसको टाइम नहीं दिया तो इसमें अब भी ज़रूरत है इसकी इस दफ़ा जो मिर्चों के पौधे थे मैंने वो ट्राई किया मैंने तीन चार दफ़ा लगाने की कोशिश की लेकिन वो सारी गर्मियों में ना उनको कीड़ा लगता रहा है और अभी भी उनकी वजह से बाकी पौधों को ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैंने काफ़ी सारे पौधे इसके निकाल दिए हैं एक पौधा रह गया उसके ऊपर भी कीड़े लगे हुए हैं लेकिन ये कि वो उसको मैं स्प्रे कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि वो बच जाए तो बाकी सारे पौधे मैंने निकाल दिए हैं ताकि बाकी पौधों को भी वो ट्रांसफ़र ना हो तो यहाँ पे बस मैंने पालक निकालनी थी इस तरह से प्लांटर्स में इस दफ़ा मैंने उगाई है क्योंकि जो मेरे पास बड़ा प्लांटर था वो उस टाइम तक रेडी नहीं था तो मैंने छोटे प्लांटर्स पे लगाई है लेकिन मैं सोच रही थी कि इनको मुझे बड़े में ही लगाना चाहिए था और अब मैंने रेडी कर लिया है दूसरा भी तो ये क्या मैं उसमें इंशाल्लाह लगा दूंगी तो अगर घर में आपको इस तरह से फ्रेश पालक मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किचन गार्डन और उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना और इसको इस तरह से जो है ना आप काफ़ी रिफ़्रेश रहते हैं आप डिप्रेशन से बच सकते हैं और दूसरा ये कि आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं होता कि आप चीज़ों को एक्स्ट्रा चीज़ों को सोची हों डिप्रेस हो तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह से ये पालक है बेबी स्पिनच इसको फ़िलहाल आप कह सकते हैं लेकिन ये कि पकौड़े वगैरह बनाने के लिए रफ़ है तो वैसे तो अगर रूटीन में बनानी हो तो बाज़ार से भी हम ला सकते हैं उनको पका सकते हैं इसमें आ, मैंने कुछ लीव्स जो थे वो थोड़े पीले हो चुके हुए थे तो वो मैंने निकाल के अलग से रख दिए हैं और ये पालक यहाँ पे रेडी है बिल्कुल और इसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया भी लिया धनिया जो था वो मेरा इस्तफ़ा ना आ, हो गया बारिश की वजह से ख़राब क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी तो उसकी सारी रूट्स ही बाहर निकल गई काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया अच्छा इस यहाँ पुदीने में भी एक दो पालक के पत्ते थे लेकिन इनको देखें ये इस तरह से ये कीड़ी लगी हुई है और ये सारा मिर्चों के पौधे से ट्रांसफ़र हुआ है तो ये सारे पत्ते जितने भी जिनको कीड़ी लगी हुई है सब मैं निकाल निकाल के फेंक रही थी और धनिया देखें यहाँ पे काफ़ी सारा जो है ना ये बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है तो मैंने ना यहाँ पे अब इसको नया लगाना था तो पहले वाला मैंने सारा आहिस्त करके मैं उतार रही थी और आज भी मैंने थोड़ा सा उतारा है मैं इंशाल्लाह इनशाला कड़ी में ऐड करूँगी तो ये थी थोड़ी सी किचन गार्डन की सैर भी मेरी और उसके साथ साथ जो है ना मैंने सारी जो वेजिटेबल्स मुझे चाहिए थी आज के दिन के लिए वो मैंने ले लिए और सारे पौधे मैं अभी रिन्यू करी इंशाल्लाह मैं आपको एक फ़ाइनल टूर कराऊँगी अपने किचन गार्डन का तो पौधों को पानी मैं सुबह सुबह ही दे देती हूँ यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स लेने आई थी और ये मेरे घर का बेस्ट पार्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेरा किचन गार्डन और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे यहाँ पे मैंने बेसन निकाला है और बेसन ना जब भी मैं खोलती हूँ इसको तो हमेशा मैं छान के उसके बाद मैं इसको बॉक्स में डाल लेती हूँ एक तो आपको इजी हो जाता है जब वैसे तो यूज़ हो ही जाता है महीने में या डेढ़ महीने में, में बेसन एक किलो ख़त्म ही हो जाता है लेकिन ये कि जब भी आप यूज़ करें तो आपको निकालने में उस टाइम पर आपको छानना नहीं पड़ता और दूसरा ये कि आप इसको दोबारा रीचेक भी कर सकते हैं अगर कोई इसमें कोई कीड़ा वगैरह या उसमें जो अनाज में आ जाता है अगर कोई चीज़ मौजूद हो तो वो निकल जाएगी तो यहाँ पे मैंने छान लिया है जो अभी मुझे कड़ी बनाने के लिए चाहिए उसको मैं रख लूँगी बाकी को मैं बॉक्स में ऐड कर दूँगी और एट एड बॉक्स में मैं डाल के इसको रख दूँगी तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपकी लाइफ को ईज़ी बना सकती हैं एक दफ़ा एक दिन में आप ये काम कर लें तो नेक्स्ट आपके काफ़ी दिन बहुत आसानी से गुजर सकते हैं और यहाँ पर मैंने सारा छान लिया था ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करें तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो सकती है और ख़ास ख़ासतौर पर जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत लाइफ सेविंग टिप्स हैं ये और यही इस तरह से आप ना अपने जो भी चीज़ें को ख़राब होने से बचा सकते हैं कि अगर इसमें कोई भी इशू होगा कोई कीड़ा वगैरह लगा होगा तो वो टाइम के साथ बढ़ता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो बस यहाँ पे मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया और जो मुझे चाहिए था आज के लिए वो मैंने अलग से निकाल लिया है अच्छा कड़ी बनाने के लिए लस्सी मैंने ली थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने मक्खन बनाया और मक्खन में मैंने बनाने के लिए मैंने मलाई में डाला था दही और दही डालने से ना वो अच्छा सा दही बन चुके अभी मैं आपकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ तो यहाँ पे मैंने इसमें दो चम्मच डाला है बेसन और ये देखिए जो बाकी था ना दूध उसमें मैंने दही डाला हुआ था और उसको मैंने दो दिन के लिए रख दिया था बाहर ही मतलब फ्रिज से बाहर रख दिया और यह देखें सारी कंसिस्टेंसी इसकी दही की जैसी हो गई है और बिल्कुल बिल्कुल घर के जैसे जैसे गांव वगैरह में देहात में लस्सी मिलती है बिल्कुल वैसा ही आपका आपकी लस्सी बन जाएगी तो सिर्फ दही डालें आप एक तो आपका मक्खन बहुत जल्दी निकल आएगा और सेकेंड होगा कि आप जो बाक़ी आपके पास दूध बच जाएगा उसको आप बहुत आसानी से कड़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ईजी ईजी टिप है और इससे आप अपना कोई भी फूड आइटम जो है ना उसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच से इसमें बेसन डाला है आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा बेसन वाली कड़ी पसंद नहीं है उनको बिल्कुल पता चल जाता है कि इसमें बेसन डाला है आप बेसन के बगैर तो कड़ी बनती नहीं है क्योंकि वो फिट जाती है तो आप जो है ना कम डाल दें अगर आपके घर में पसंद नहीं की जाती और अगर आपके घर वालों को कोई इशू नहीं है तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं उससे ये होता है कि आपकी कड़ी जब आप उसको बनाते हैं तो कभी भी वो फिटती नहीं है बिल्कुल बहुत अच्छी सी कड़ी रेडी हो जाती है तो यहाँ पर बस मैंने डाल दी थी इसमें बेसन डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है लस्सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं लेकिन मैंने फोर क्विक फ़टाफट से ये काम कर लिया अब लस्सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसको मैं साइड पर करूँगी और मैं फटाफट से तड़का बना लूँगी बहुत ईजी सा मैथड है मेरा तड़का लगाने का भी और बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियन और बहुत ज़्यादा ऑयली मैं बनाती भी नहीं हूँ बहुत हेल्दी वे में मैं बनाती हूँ तो इंशाल्लाह मैं सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये देखें बड़ा अच्छी सी लस्सी यहाँ पे रेडी हो चुकी है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं और इसमें आप एक्स्ट्रा पानी भी ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं अच्छा उसके बाद मैंने पैन लिया था पैन में मैंने आलमोस्ट थ्री टू फोर टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है उसमें मैंने वन टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट डाल लिया है अदरक लहसन के पेस्ट को जब अच्छा से ये ब्राउन हो जाएगा तो उसमें मैं टमाटोस का पेस्ट डाल दूँगी अब मैं इसमें प्याज नहीं डालती हूँ प्याज का तड़का मैं बिल्कुल नहीं लगाती क्योंकि प्याज ना अजीब सा हल्दार सा हो जाता है कड़ी में तो तले हुई प्याज़ आप डाल सकते हैं लेकिन मैं वो भी ऐड नहीं करती हूँ और यहाँ पर मैंने टमाटोज़ का पेस्ट डाल दिया है अभी मेरे पास फ्रोजन फॉर्म में था अभी डिफ्रोज नहीं हुआ था तो मैंने उसको एज़ इट इज़ ऐड कर दिया है आलमोस्ट अपने थ्री टू तो फोर टेबल स्पून के करीब टमाटोज पेस्ट भी डालना है क्योंकि मेरे जो तो कड़ी है वो बहुत लस्सी है वो काफ़ी खट्टी है तो इसमें मैं ज़्यादा मैं नहीं डालना चाहती वरना ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने आलमोस्ट थ्री टू फोर टेबल स्पून के करीब टमाटोज़ का पेस्ट इसमें डाला है उसको अच्छे से भून लिया था अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी एक चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया था आधी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया थोड़ा तेज़ है हमारी लाल मिर्चें तो मैंने कम ऐड की हैं और साथ मैंने चिली फ्लेक्स ऐड करने थे इसलिए भी हाफ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं हाफ टेबल स्पून मैंने अधिक लस धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और वन टेबल स्पून के करीब मैंने साबुत जीरा काली मिर्च ये सब चीज़ें जो है ना उसमें ऐड कर दी हैं अब इस मसाले को मैं दो से तीन मिनट के लिए भून लूँगी इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जले नहीं और उसके बाद जो है ना ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो ये मसाले की रेसिपी थी बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसमें पानी डाल दूँगी और जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना तो मैं अपनी मम्मी को ज़रूर मिस करती हूँ क्योंकि नंबर वन पर तो ये अम्मी की फेवरेट रेसिपी है आ, मेरी अम्मी को कड़ी बहुत पसंद है और सेकेंडली मैं इसलिए भी उनको मिस करती हूँ क्योंकि वो जब भी कड़ी बनाती हैं तो साथ वो ज़रूर जो है ना मकई की रोटी बनाती हैं तो मैंने भी आज मकई की रोटी बनानी थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे मकई का आटा ला दीजिएगा क्योंकि घर में ख़त्म था तो उनको याद ही नहीं रहा और अभी फिलहाल जो था ना मेरे पास मकई का आटा नहीं था रात के टाइम तक तो आ गया था लेकिन यह कि दिन के टाइम में नहीं था तो वैसे भी मैं उनको मिस करती हूँ ज़रूर कि वो हमेशा ना मकई की रोटी के साथ बनाती हैं और उनको पसंद भी है तो बस यहाँ पे मैं डालती हूँ उसमें लस्सी डाल देती हूँ उसके बाद आपने ना इसमें चम्मच चलाते रहना जब तक इसको अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा तो बस इसके बाद मैं इसके चम्मच चलाती रहूँगी हाई फ्लेम पे आप इसका चम्मच चलाते रहें और उसके बाद जब इसको अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर आप इसको स्लो आंच करके जितना आप इसको गाढ़ा करना चाहें उतना आप पका लें तो ये जो थी ना ये कड़ी आलमोस्ट मेरी रेडी हो जाएगी अब खुद ही पक जाएगी उसके बाद मैंने पकोड़े बनाने हैं पकोड़े बनाने के लिए मैंने साथ वेजिटेबल्स वगैरह की कटिंग कर लेनी है और बहुत ही मज़ेदार ये लस्सी थी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको भी बिल्कुल जैसे गाँव में लस्सी में थोड़ा बहुत हल्का हल्का मक्खन भी होता है बिल्कुल उस टाइप की ये बनी थी इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भी ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी दूध भी है फ्रेश वाला दही है उसमें थोड़ा बहुत मलाई का पोर्शन भी है और मक्खन भी है तो ये काफ़ी हो जाएगा इनफ हो जाएगा तो यहाँ पे देखें अच्छा से बॉयल आना शुरू हो गया है इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया तो अब मैं इसकी फ़्लेम को लो कर दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि ये, आ, मेरी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग गाढ़ी हो जाए तो यहाँ पे देखें इसको अच्छा सा आ चुका था बॉयल तो यहाँ पे मैंने इसको अब रख दिया साइड पे उसके बाद ये देखिए मैंने अच्छी सी प्यारी सी कटिंग कर ली है आलू और प्याज मैंने यहाँ पे काटे हैं इसमें मैंने ये पालक ज लाई थी उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें बेसन डाल दूँगी अच्छा इसमें मैंने पकौड़ा मसाला ऐड किया है पकौड़ा मसाला सनाबल का पकौड़ा मसाला तो वो काफ़ी काफ़ी तीखा होता है नफ तीखा होता है तो इसलिए मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची नहीं डाली क्योंकि बच्चे भी अक्सर मांग लेते हैं पकौड़ा तो सबज मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी थी मेरे पास तो आप सब्ज़ मिर्ची भी कट कर करके डाल सकते हैं कोई इशू नहीं है तो ये मेरे पास था जिस नावल का पकौड़ा मसाला तो ये एक चम्मच ही नफ हो जाता है थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया था और बस बेसन ऐड करके मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके इसके मैंने पकोड़े बना लिए थे और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बने थे बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं और ये सारे जो है ना देखें कड़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो चुकी थी इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी कसूरी मेथी डाली है और धनिया डाला है जो मैं फ्रेश लेके आई थी अपने किचन गार्डन से और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर एक दो मिनट के लिए दम दिया था उसके बाद मैंने आँच बंद कर दी थी और कड़ी मेरी बिल्कुल रेडी थी अच्छा हमारे घर में ना कड़ी और पकौड़े अलग अलग सर्व किए जाते हैं मुझे पर्सनली ना कढ़ी के अंदर पकोड़े बहुत पसंद हैं लेकिन मेरे घर वालों को पसंद नहीं है तो इसलिए पकोड़े हम अलग से रखते हैं और कढ़ी अलग से रखते हैं तो पकोड़े देखें कितने अच्छे आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी बने और ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और मेरे मेरे चैनल पे बहुत सारी पकोड़ा बनाने की रेसिपीज़ हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं और देखें कितने मज़ेदार से ही बने थे अच्छा बच्चों के लिए मैंने बनाया था कीमा आलू और ये अंडा जो था ना सुबह मैंने आइजी के लिए बॉईल किया और मुझे उसको खिलाना याद ही नहीं रहा उसको मैंने बाद में देने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उसने नहीं खाया तो फिर मैंने इसको ऐड कर दिया था साथ और साथ मैंने कुछ कीमा भून के रख लिया है नेक्स्ट uh, टाइम जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनको ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा कीमा भुनावा किसी भी चीज़ में ऐड करके ऐसी भी दे, दे देती हूँ अच्छा उसके बाद ये अपडेट में ये है कि मैंने लिया है जी माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव मेरे पास नहीं था और खाना मैं मैनुअली गर्म करी थी Uh, मैं बेसिकली अवॉइड भी करती हूँ लेकिन मैनुअली जो है ना uh, मैं कर लेती हूँ आराम से लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चूल्हे पे अच्छे से गर्म नहीं होती हैं तो यहाँ पे बस ये आया था इसको हम चेक कर रहे थे क्योंकि इन्होंने डिस्क्रिप्शन uh, में दिया था कि आपने इसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल चला के चेक करना है कि ये वर्किंग है कि नहीं तो सारे फंक्शन हैं कुकिंग माइक्रोवेव है काफ़ी सारे फंक्शन हैं इसके अंदर तो इनशाला नेक्स्ट मैं इसका कम्प्लीट डेमो भी आपको दूँगी किसी वीडियो में और इसकी रेसिपीज भी इनशाला आपके साथ शेयर करूँगी तो यहीं पे करूँगी मैं अपने विलॉ को भी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग